हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीमती कालेरिया प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम. आई एम मिसबा एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्री विद द सेम एक्सरसाइज एरिया. सो इन लास्ट अवर वीडियो आई टॉट यू व्हाट इज एन एरिया एंड आई टॉट यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर. तो लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हमने एरिया को स्टडी किया और पेरीमीटर क्या है वो भी फिर से हमने रिवाइज किया था. सो आज फिर से अगेन मैं आपको बताती हूँ कि एरिया क्या है. एरिया एक सपोज एक बॉक्स है, उसमें एक स्क्वायर है, उसमें कितने बॉक्सेस है वो हमें काउंट करने हैं. ठीक है, ये बॉक्स ये स्क्वायर है और उसके अंदर बॉक्सेस है. तो उसके अंदर जो बॉक्सेस है यानी कि उसके अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट, उसे हम बोलते हैं एरिया. ठीक है, और पेरीमीटर का मतलब ये लाइन सेगमेंट्स, ये बाहर के जो लाइन सेगमेंट्स है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर. ठीक है, आपको समझ में आ गया एरिया और पेरीमीटर के बीच में क्या फ़र्क होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एरिया और पेरीमीटर ठीक से समझ में नहीं आता और वो एरिया और पेरीमीटर दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपको ये डिफरेंस बता रही हूँ. हमारी बुक में तो ये डिफरेंस नहीं बताया गया, लेकिन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आप कन्फ्यूज ना हो आगे, इसलिए मैं आपको ये डिफरेंस बता रही हूँ. ठीक है, सो अगर आपको कोई पूछे कि एरिया का मतलब क्या है और पेरीमीटर का मतलब क्या है, तो आप अपनी लैंग्वेज में कैसे जवाब दोगे. सो सिंपल लैंग्वेज में हम सिर्फ यही बोलेंगे, एरिया मीन्स जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या कोई भी शेप है, उसके अंदर का जो पार्ट होता है या उसके अंदर ये जो हमने बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं ना, वो स्क्वायर्स, उसका मतलब एरिया होता है. ठीक है, और पेरीमीटर मतलब सारी शेप्स की लाइन सेगमेंट का एडिशन. ठीक है, द एडिशन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर एंड एरिया मीन्स द एडिशन ऑफ द बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट इन द शेप. ठीक है, आपको समझ में आ गया एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस. सो अब हम हमारे फिलिंद, हमने कल जो सम्स किए थे, सो एरिया की हमने फॉर्मूला लर्न की थी. तो एरिया की फॉर्मूला क्या थी, ए का सिंबल मीन्स एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो ये रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है ये, ऊपर का जो है ना ए बी सी डी, ये मेरा रेक्टेंगल है और ये ए बी है वो उसकी लेंथ है. ठीक है, और बी सी उसकी ब्रेथ है, ये एल एंड ये बी. सो ए बी इज द लेंथ एंड बी सी इज द ब्रेथ. ठीक है, समझ में आ गया आपको कि एरिया की फॉर्मूला क्या है, ये आपको लर्न बाय हार्ट करनी है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, ये रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ. रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपको लर्न करना हो. फिल इन द ब्लैंक बी, व्हेन वी मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर वी गेट स्क्वायर सेंटीमीटर. यस, नाउ सी, तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, हमें यहाँ पर रेक्टेंगल को एरिया कैलकुलेट करने की फॉर्मूला लिखनी है. तो हम सबको पता है कि फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी. तो ये हमारे तीन ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए. अभी नेक्स्ट हमारा एक हमें फिगर दिया गया है, उसमें लिखा है मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर देन फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स इन योर नोटबुक. यानी कि आपको क्या करना है, आपको तीन फिगर्स दिए गए हैं, रेक्टेंगल दिए गए हैं, तो आपको उसकी ये इस तरह से रेक्टेंगल दिया गया है, तो स्केल से आपको मेज़र करना है कि ये इसकी कितनी मेज़रमेंट है, यानी कि लेंथ कितनी है और ये इसकी ब्रेथ कितनी है. ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन का आपको मेज़रमेंट लेना है इन तीनों फिगर्स में. ठीक है,
और तीनों फिगर्स में मेज़रमेंट लेने के बाद आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो आपने फाइंड आउट, आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो सबसे पहले आप अपनी स्केल लेंगे, ज़ीरो का पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और फिर देखेंगे कि ये पॉइंट कौन से नंबर पर एंड होता है। तो ये जो भी नंबर पर एंड होता होगा वो आपकी लेंथ होगी। फिर अगेन आप अपनी स्केल को इस तरह से रखेंगे और फिर इस ये मेज़र करेंगे, ठीक है। तो ये और ये जो ये लाइन की जो मेज़रमेंट होगी वो ब्रेथ होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर नंबर आता होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पर एंड होता होगा, वो आपकी ब्रेथ होगी, ठीक है। और फिर आप L इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया फाइंड आउट करेगी। सपोज़ ये 2 है और ये, सपोज़ ये 4 है और ये 2 है, जस्ट आई एम कैलकुलेटिंग। मेरे पास अगर मैं ये छोटा सा फिगर यहाँ पर बताऊँ तो आपको नज़र तो नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी तरह से कर रही हूँ। तो ये 4 है और ये 2 है, तो आपने मेज़र किया स्केल के थ्रू। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर उसकी फॉर्मूला L इंटू बी। सो L इंटू बी क्या है? 4 और 2, तो 4 इंटू 2 और आपने सेंटीमीटर्स में लिया है, ठीक है। तो 4 टू ज़ा 8 और आपको स्क्वायर तो लिखना ही है और सेंटीमीटर इसका यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आप वो सारे सम्स परफॉर्म करेंगे। दे आर क्वाइट ईजी, नॉट हार्डर, आप ऐसे कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले ये मेज़र करना है। ये जो बुक में दिया गया है ना, यहाँ पर स्केल रखो और फिर देखो कि ये पॉइंट कहाँ पर पहुँचता है। फिर जितनी मेज़रमेंट हो वो आप यहाँ पर लिख दो, L लेंथ इज इक्वल टू दिस एंड ब्रेथ इज इक्वल टू दिस, और फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर कर आंसर को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से ये सम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दे सम्स आर वेरी इजी एंड यू कैन परफॉर्म देम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ स्क्वेयर। एरिया ऑफ स्क्वेयर। अब एरिया ऑफ स्क्वेयर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल जो होता है ना, उसकी दो साइड्स सेम होती है और दो साइड्स अलग होती हैं। यानी कि रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती है टोटल, उसमें से सिर्फ 2 साइड ही सेम होती है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। तो ये वाली साइड है ना ए बी, वो सपोज़ 8 मीटर्स है, तो ये वाली होगी कोई भी हो सकती है इससे 4 मीटर, ठीक है। ये 8 है और ये 4 है, ठीक है। तो ये इसकी ऑपोजिट साइड है ना, ए बी की ऑपोजिट साइड है डी सी, तो डी सी का भी होगा 8 मीटर ही, डी सी की मेज़रमेंट भी 8 ही होगी, या सी डी की मेज़रमेंट 8 ही होगी, ठीक है। और ए बी की, ए डी की मेज़रमेंट है 4, तो उसकी ए डी की ऑपोजिट साइड्स है बी सी, तो बी सी की भी 4 होगी। यानी कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की मेज़रमेंट सेम होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की मेज़रमेंट सेम होती है, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, सारी की सारी साइड्स या लाइन सेगमेंट्स सेम होती है, स्क्वायर की सारी लाइन सेगमेंट सेम होती है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन करके हमें इसका आंसर मिलता था। तो अब इसका आंसर, इसकी फॉर्मूला क्या होगी? तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस, ठीक है, एस इंटू एस। हमें सब साइड्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके उसकी मेज़रमेंट क्या है, उसकी 4 यूनिट्स है, ठीक है, उसकी मेज़रमेंट है 4 यूनिट्स, इसकी लेंथ है 4 यूनिट्स यहाँ पर, और ये वाली भी 4 यूनिट्स है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। उसका नाम है ए बी सी एंड डी, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये भी दिया गया है,
इस तरह से एक स्क्वायर दिया गया है हमें, और उसके जो लेंथ है वो भी 4 है, उसकी ब्रेथ भी 4 है, ये वाला भी 4 है और ये वाला भी 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें सिर्फ यही करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस, एस इंटू एस यानी कि दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है 4 और ये एस क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 जा 16, सो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 मिलता है। और आप यहाँ पर स्क्वायर मीटर या यूनिट जो भी है उसका लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर आप ये स्क्वायर अंदर से जो काउंट करो तो वो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो है ना, हमारे अंदर स्क्वायर भी 16 है और हमारा आंसर भी 16 है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है जो कि है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस। एस इंटू एस का मतलब ये साइड्स, ये दोनों इसकी जितनी 4 साइड्स है ना, तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर सो एस इंटू एस, यानी कि ये हमने फॉर्मूला अप्लाई की है एस मल्टीप्लाई बाई एस। एस मल्टीप्लाई बाई एस मतलब ये दोनों साइड्स, तो एक साइड है 4 और दूसरी साइड भी है 4, सो 4 जा 16। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 होता है, और स्क्वायर तो हमें लिखना ही है और यूनिट हमें दिया नहीं गया, तो हम यहाँ पर सिर्फ यूनिट लिखा है तो यहाँ पर ही यूनिट ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये उसकी फॉर्मूला है जो कि आपको अप्लाई करनी है और आपको ये सम करना है। अभी हम लोग काउंट करते हैं कि कितने अंदर बॉक्सेस हैं। हमारा आंसर तो 16 स्क्वायर्स आया, अब देखते हैं कितने स्क्वायर्स अंदर प्रेजेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इसका मतलब ये सही आंसर है, इसके अंदर 16 स्क्वायर है और हमारा आंसर भी 16 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और अभी आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करनी है। यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज बिटवीन फॉर्मूला ऑफ एरिया एंड रेक्टेंगल। ओके, सो बाय हार्ट ऑल द फॉर्मूलाज। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर का एरिया। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने अभी क्या लर्न किया था कि उसकी फॉर्मूला हमने स्क्वायर की लर्न की थी। वी हैड लर्न द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस, ये फॉर्मूला थी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम्स करेंगे। सो यहाँ पर एस हमें दिया गया है नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस, ये फॉर्मूला है हमारी। सो एस क्या है यहाँ पर, 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और फिर से एस मतलब 9। ठीक है, एस मतलब 9, ये हमें दिया गया है ना इसलिए। सो अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 9 जा 81। यस, 81 इज द आंसर, 81 इज द आंसर। लेकिन अभी हमें अभी यूनिट्स भी लिखने हैं, तो सभी को पता है कि एरिया हो तो स्क्वायर तो लिखना ही है, स्क्वायर तो लिखना ही है एस क्यू। और यहाँ पर कौन सा यूनिट है, सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर भी लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आपको ये स्क्वायर सेंटीमीटर्स भूलना नहीं, सम में हमेशा आप एरिया या पेरीमीटर्स के सम करो तो उसमें इसका जो ये सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर जो भी हो वो साथ में लिखना है, वरना आपको इस सम्स के एग्ज़ाम में मार्क्स उसके कट हो जाएंगे। अगर आपने आंसर सही लिखा है लेकिन आपने यूनिट नहीं लिखा या यूनिट गलत लिखा है तो आपको उसके मार्क्स
कट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपको ये लिखना, इसके यूनिट्स परफेक्ट लिखने हैं। अभी हम नेक्स्ट सम करते हैं, यहाँ पर है एस इज इक्वल टू 14। तो वापस से एरिया ऑफ स्क्वायर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस, एस इंटू एस। तो अब क्या करना है आपको, ये 14 को लिखना है यहाँ पर और वापस से 14 लिखना है, क्योंकि एस का मीन एस 14 है। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 आप करना है। तो आपको ओरली ना आता हो तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इस तरह से रफ वर्क में, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 14, कीप योर जीरो, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, +1 5। अभी आंसर आएगा 4 + 5 = 9, ये 1 आंसर है 196। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 196 और यूनिट है स्क्वायर और इसका क्या है मीटर, ठीक है, मीटर। ये हमारा आंसर है फाइनल 196 स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 13 किलोमीटर, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज एस इज 13 मीटर, यानी कि हम अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले हैं जिसका एस यानी कि साइड 13 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस, यानी एस मल्टीप्लाई बाय एस, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। लेट अस डू इट इन अवर रफ वर्क। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 0, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, सो 169 इज़ द आंसर, ठीक है। 169 इज द आंसर और यूनिट होगा स्क्वायर और ये क्या है किलोमीटर, सो किलोमीटर, ठीक है। ये सम्स बहुत इजी है, आप आसानी से ये सम्स कर सकते हो। सो आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करनी है, दूसरा और कुछ नहीं करना। नाउ नेक्स्ट सम में एरिया ये जो साइड है वो 27 दी गई है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस। फॉर्मूला अप्लाई की मैंने पहले, अब मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दी है, अब मैं एस लिखूंगी कि एस कितना है, तो एस है 27, ठीक है। और फिर यहाँ पे वापस से 27 लिखूंगी। अभी 27 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, 27 मल्टीप्लाई बाय 27, मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी को आता होगा। सो 0 डाउन, 7 2 ज़ा 14, सो 4 डाउन कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, +1 5, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, +4 18, सो 9 2 5 + 1 6 +1 7, तो 729 हमारा आंसर है, ठीक है। 729, 27 और 27 को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलता है 729 और यूनिट है स्क्वायर और ये क्या है मीटर, तो यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये दोनों ही हमारे फाइनल आंसर है। आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करनी है स्क्वायर की और फिर मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना। स्क्वायर की फॉर्मूलाज भी इजी है, ये फॉर्मूला भी बहुत इजी है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय, फिल इन द ब्लैंक्स ए। तो फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए इज, आपको फॉर्मूला लिखनी है, यहाँ पर पूछा है कि फाइंड आउट एरिया की जो फॉर्मूला है स्क्वायर की वो क्या है, तो आपको लिखनी है एस मल्टीप्लाई बाय एस। तो आंसर आएगा एस, दोनों ही ब्लैंक्स में एस और एस आंसर आएगा, ठीक है। फिर बी में द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विथ लेंथ ऑफ ईच साइड इज 7 मीटर। सो अभी हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि एक स्क्वायर फील्ड थी उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसकी हर साइड की क्या दी गई है 7 मीटर, उसकी सारी साइड्स का क्या है 7 मीटर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि हमें क्या करना है 7 मीटर है एस हमारा, एस है हमारा 7 मीटर, ठीक है।
एस है 7 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर एस मल्टीप्लाई बाई एस, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना होगा 7 7 ज़ा 49, और स्क्वायर और मीटर है ना, यस मीटर, स्क्वायर मीटर, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड ब्लैंक का ये आंसर होगा। आप ओरली भी वो कर सकते हो, वहाँ पर 7 दिया गया है 7 मीटर, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49 है, और यूनिट आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अ प्लेग्राउंड इज 100 मीटर बाई 50, यानी कि उसकी लेंथ है 100, एक प्लेग्राउंड है इस तरह से, तो ये 100 बाई 50 का मतलब क्या है, 100 यहाँ पर और 50 यहाँ पर, ठीक है, 100 50 यहाँ पर, वो रेक्टेंगल है। तो आपको क्या करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, सो 100 मल्टीप्लाई बाई 50, सो कितना आंसर आएगा, आप 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 50 से, 0 को रखेंगे यहाँ पर, 5 0 ज़ा 0 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, तो अभी आंसर क्या आया, 5000, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5000, और यूनिट स्क्वायर और मीटर, ठीक है, आपको सिंपली मल्टीप्लीकेशन ही करना है। नाउ लास्ट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 8 मीटर, फाइंड द एरिया। सो एक फ्लावर बेड है, उसकी क्या है लेंथ 8 मीटर है, ठीक है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो आप एक सम अपनी तरह से करना, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है और आप आसानी से उसे कर लोगे। अ विक्टोरियन गार्डन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, अ फ्लावर बेड, अ वॉटर पूल इन ए रेस्टिंग एरिया वर क्रिएटेड, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ईच पोर्शन, यानी कि हमें एरिया और पेरीमीटर दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो एरिया की फॉर्मूला क्या है, ये जो है ना, ये स्क्वायर है, ये 20 मीटर है, पूरा का पूरा जो गार्डन है ना विक्टोरियन, वो 20 मीटर है, ठीक है, तो ये सब 20 मीटर है, ओके, ये 20 मीटर है, पूरा स्क्वायर ही है गार्डन, विक्टोरियन गार्डन है ना वो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के जो फॉर्मूला है वो एस इंटू एस, 4s, ठीक है, 4s, 4 मल्टीप्लाई बाई s, तो ये दोनों आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो हमें एक एक करके क्या फाइंड आउट करना है, हमें पहले ये जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड, फिर ये रेस्टिंग एरिया है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये पूल है वाटर पूल, और ये फ्लावर बेड है, तो ये सब हमें फाइंड आउट करना है, और पूरे प्लेग्राउंड की एरिया भी लास्ट में फाइंड आउट करनी है, और उसकी पेरीमीटर भी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर एरिया के लिए और पेरीमीटर के लिए दोनों के लिए फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो एरिया की फॉर्मूला है एस इंटू एस, और पेरीमीटर की फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाई s, पहले आप ये याद रख लें, ठीक है। अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे, हमारी बुक में दिया गया है कि पहले आपको प्लेग्राउंड की एरिया है जो फाइंड आउट करनी है, और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करनी है। तो प्लेग्राउंड की एरिया, एरिया इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई एस, और प्लेग्राउंड की पेरीमीटर, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4s, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब हमें सिर्फ उसको फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर की क्या है, यहाँ पर पहले हम एरिया का देखेंगे, तो एरिया की क्या है 8 मीटर, ठीक है, s क्या है, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ s 8 है, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8, सो 8 8 ज़ा 64, ठीक है, 8 8 ज़ा 64, और यहाँ पर आंसर आएगा स्क्वायर, और यूनिट है मीटर, ठीक है, पहला आंसर हमें मिल गया। फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है प्लेग्राउंड की, तो ये पेरीमीटर क्या है, ये 8 है, तो हम क्या करेंगे, s, हमें लाइन सेगमेंट्स है ना उनको s एज्यूम करना है, ठीक है, तो ये 8 है ऐसे, ये 4 है ऐसे, ये 5 है ऐसे, ये 6 है, और ये पूरा 20 है ऐसे, आप याद रखो वो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8, सो 8 फोर ज़ा कितना होता है, 8 फोर ज़ा और अली भी कर सकते हो 32,
ठीक है, 32, और इसकी क्या है ये यूनिट एम, ठीक है। तो ये पेरीमीटर है, ये आंसर है हमारा पेरीमीटर का, और ये है आंसर एरिया का फॉर प्लेग्राउंड। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 64 और पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज 32, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है रेस्टिंग एरिया का एरिया और पेरीमीटर। सो रेस्टिंग एरिया का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर्मूला तो मैंने सबकी लिखी है, तो एरिया ऑफ रेस्टिंग एरिया ये तो 4 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4। सो 4 सा कितना होता है 16, और यूनिट क्या है एरिया का स्क्वायर मीटर, ठीक है। पहला आंसर मिल गया हमें, अब दूसरा आंसर देखते हैं। 4s फॉर्मूला है, तो हम 4 को s क्या है रेस्टिंग एरिया का 4, सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन 4 जा 16, 16 मीटर हमारा आंसर है, ठीक है। सो हम इस तरह से बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेस्टिंग एरिया इज 16 स्क्वायर मीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ रेस्टिंग एरिया इज 16 मीटर, ठीक है। सो इस तरह से हमें आंसर मिल गया। अभी हम नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं सम। अभी हमें क्या पूछा गया है, हमें वाटर पूल का एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड आउट करना है। तो एरिया की ये है फॉर्मूला और पेरीमीटर की ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर एस दिए गए हैं, तो हमें पहले देखना है कि एस क्या है। तो यहाँ पर वाटर पूल में एस है 6, ठीक है, यहाँ पर वाटर पूल में एस है 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 36, और यूनिट क्या है स्क्वायर मीटर। पहला आंसर है ये। सो हमने एरिया फाइंड आउट किया वाटर पूल का जो है 36 स्क्वायर मीटर। अभी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है एस 6, सो 6 4 24 मीटर, 4 6 24, तो ये 24 मीटर इसकी पेरीमीटर है और वो आंसर है 24, ठीक है। अभी हम लास्ट में ये फाइंड आउट करने वाले हैं फ्लावर बेड का एरिया और फ्लावर बेड की पेरीमीटर। तो पहले फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करते हैं हम। सो फ्लावर बेड का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस मल्टीप्लाई बाय एस। सो क्या है एस हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 25 आंसर मिलता है, और हम यहाँ पर यूनिट लिखेंगे स्क्वायर मीटर, ठीक है। अभी पेरीमीटर का अगेन फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर है 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला क्या है एस 5, सो 5 4 20, और यूनिट होगा एम मीटर। तो ये आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास इन चारों एरियाज, इनकी प्लेग्राउंड की भी एरिया और पेरीमीटर है, ये रेस्टिंग एरिया की पेरीमीटर और एरिया है, फिर वाटर पूल की भी एरिया और पेरीमीटर दोनों ही है, और ये फ्लावर बेड की भी एरिया और पेरीमीटर दोनों ही है। अभी लास्ट में हमारी बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये पूरे प्लेग्राउंड की एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, हमें एस दिया गया है जो कि 20 मीटर है, ठीक है, एस है 20 मीटर। सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फॉर्मूला क्या है एरिया की, एस मल्टीप्लाई बाय एस, यानी कि आपको क्या करना है एस का हमारा क्या है 20, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 0 0 2 2 4, तो 400 हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 400 स्क्वायर मीटर। अभी हम एरिया ऑफ सॉरी पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड करेंगे, ठीक है, टर ऑफ प्लेग्राउंड। सो पेरीमीटर की फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय एस, सो 4 और एस क्या है एस 20,
सो जब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 4 to the 8, सो ये 0 या 80, ठीक है। 4 को जब 20 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 80, और ये है 80 मीटर्स। तो पेरीमीटर है 80 मीटर्स, पेरीमीटर मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये 80 मीटर्स है, और ये जो अंदर का जो जितना भी पार्ट है ना, वो है 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। बाहर की जो पार्ट है, बाहर की जो ये लाइनिंग्स है ना, बॉर्डर्स, उसका मेजरमेंट है 80 मीटर्स, और अंदर का पार्ट है वो है 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा सम कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर अवर एरिया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द सम। गुड बाय।